सो हे एवरीवन, दिस इज़ वादी खत्री यार। अब आज का वीडियो है कि है ना, मतलब ट्वेल्थ वाले बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ ही है कि उन लोगों के मार्क्स आने कितने ही चाहिए थे और आए कितने ही हैं, और सेम टू सेम चीज़ ये टेंथ के बच्चों के साथ भी हुई है। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली टेंथ के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, स्पेशली टेंथ के, जिनके मतलब जिस क्राइटेरिया से मार्क्स डिसाइड होने चाहिए उस हिसाब से उनके इतने आते ही नहीं हैं। तो मेन जो भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपने लिए लड़ना चाहते हो कि आपके मार्क्स, इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो कि आपके मार्क्स गए कहाँ हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है ना। और यार दूसरी बात, नाउ आई हैव डिसाइडेड कि टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के बच्चे यूनाइट होके अब अपने लिए लड़ेंगे, ठीक है ना। और मैं ये सेम चीज़ ट्वेल्थ के बच्चे भी ये देख रहे हैं तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी, टेंथ के देख रहे हैं तो भी उनको भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ यार अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है ना। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप सही हो, मैं सही हूँ, क्योंकि हमारे मार्क्स इतने नहीं आने चाहिए थे। जिस क्राइटेरिया से मार्क्स दिए गए हैं और जो क्राइटेरिया बताया गया है, उन दोनों में अंतर है। आई नो कि मैं इतना कम डिज़र्व नहीं करती, 12th में 73 डिज़र्व नहीं करती, एंड आई डोंट से कि कौन कितना डिज़र्व करता है। मैं कौन होती हूँ ये बोलने वाली कि आप कितना डिज़र्व करते हो या कोई और कितना डिज़र्व करता है। अपनी कैपेबिलिटी हमको पता है कि हमारे कितने आ सकते हैं और कितने आने चाहिए थे और कितने आए हैं, ठीक है ना। अपने लिए लड़ो, ठीक है। और रही रीअपियर की बात, तो देखो मैं तो नहीं करूँगी रीअपियर, सोच मतलब अभी तक तो यही चल रहा है कि नहीं करूँगी रीअपियर, बिकॉज मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ यार, मेरे इतने नहीं आने चाहिए थे, पॉसिबल ही नहीं थे, मैं रीअपियर क्यों करूँ, मुझे नहीं करना। और बाकी अगर मान लो इन केस होता है कि मैं रीअपियर कर रही हूँ, तो आई विल लेट यू गाइज नो टू। मैं ये नहीं दबाव डालती कि आप रीअपियर का फॉर्म मत भरो या कुछ, अगर आपकी इच्छा है तो आप भरो, बाकी मैं नहीं भरने वाली जहाँ तक उम्मीद है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं कुछ गलत कर रही हूँ इसलिए, ठीक है ना। तो आप जितने भी टेंथ के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब मिले कि आपके मार्क्स गए कहाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना। और ठीक है, फिर आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप कि आप, मैंने जितनी भी बातें बोली है इस वीडियो में, आप उन सब बातों से सेटिस्फाइड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।